Mammary glands, these are characteristic of the members. They are secrete milk generally in the females for nourishment of the young ones. In monotremes, both sexes may secrete milk. This condition is called the gynecomastism. मतलब काफी बार क्या होता है फीमेल और मेल दोनों ही क्या है मेल और फीमेल दोनों ही क्या है अपनी यंग वंस के लिए क्या पेरेंटल केयर शो करते हैं तो उन दोनों में क्या है मिल्क सिक्रीशन होती है और मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और मेमरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है सिक्रीशन ऑफ द मिल्क द कंडीशन इज कॉल्ड द गायनोमेस्टिज्म विच इज नॉट ए नॉर्मल कंडीशन ठीक है ये हर किसी में नहीं प्रेजेंट होती कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही प्रेजेंट होती है मेंबर्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मोनोट्रीम्स आर कंपाउंड टूबुलर ग्लैंड्स किस टाइप की स्ट्रक्चर होता है इनका ये क्या है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं वाइल इन अदर मेंबर्स दे आर कंपाउंड एल्वियोलर वो क्या होती हैं अदर मेंबर्स के अंदर क्या होती हैं कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं और जो गायनोमेस्टिजम ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं ट्यूबुलर कंपाउंड ग्लैंड्स होती हैं मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मोनोट्रीम्स हैव नो निपल्स दे ओपन इन टू पिट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड द यंग वंस ऑब्टेन मिल्क बाय द लाइकिंग टफ ऑफ हेयर्स इन अदर्स द मेमरी ग्लैंड्स ओपन बाय देयर डक्ट सेपरेटली इन टू ए निपल द निपल इज रेज्ड आउट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट बियर ओपनिंग ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स ट्रू टीयर्स बोलते हैं जिसको द फॉल्स टीथ हैज एन इलोंगेटेड सिस्टर्न into which the mammary glands open by their ducts. From the cistern, a tube leads to surface of the nipple. Many glands along with a fat form integumentary swelling called the mammy or breast. The number and location of the mammy varies in different members. The number range from 2 in many members to 25 in opossum. Mammary may run along to ventral milk lines from the armpits to groin or they may be axillary thoracic abdominal and inguinal in position agar hum baat kare सिबेशियस ग्लैंड्स रह गई हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होती है सिबेशियस ग्लैंड्स मेंबर्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है सिबेशियस ग्लैंड्स आर एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं ये ओपनिंग इन हेयर फोलिकल्स कंटेनिंग द हेयर्स ठीक है हेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं सिबेशियस ग्लैंड्स जो हमारे हेड के हेयर है या वो जहाँ पे भी हेयर है उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं दे आल्सो इंडिपेंडेंटली ओपन एट द स्किन सरफेस वो इंडिपेंडेंटली क्या है ओपन हो जाती है स्किन की सरफेस में अराउंड द genital organs tip of the nose and edge of the lips sebaceous glands secrete an oil aur ye kya function hota hai inka oil ko secrete karti hai jisko hum sebum bhi bol dete hain to lubricate the hairs and also cover the skin with a film of oily coating aur skin ko kya hai film karti hai oil se डिजीज भी हो जाती है सिबेशियस में क्या सिक्रीशन नहीं हो पाता तो जैसे हमारी स्किन पे जो फेस पिंपल्स निकल जाते हैं और वो क्या है सिबेशियस ग्लैंड्स की वजह से होती है जो बाहर निकल जाती है तो वैसे क्या है इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी काफी सारी डिजीज हो जाती है सिबेशियस ग्लैंड्स मतलब क्या है कि एक डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स मेंबर्स के अंदर और प्रेजेंट होती है जिसको हम माइबोबियम ग्लैंड्स कहते हैं और ये क्या है आईज के अंदर प्रेजेंट होती है मेंबर्स की अगर इनका सिक्रीशन अच्छे से ना हो तो इनमें भी एक डिजीज हो जाती है
जिसको हम डी एमडीएम एमडीएम डिजीज बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं पिगमेंटेशंस की। पिगमेंटेशंस क्या होते हैं? कुछ स्किन के अंदर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? कलर फॉर्मिंग फोर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या है? कलर की फॉर्मेशन करते हैं। आप देखिए, कुछ एनिमल के अंदर रेड कलर होता है, किसी के अंदर ग्रीन कलर होता है, किसी के अंदर ब्राउन कलर होता है। पिगमेंटेशन, तो वो पिगमेंटेशन क्या है? स्किन की वजह से ही सिक्रेट आउट होता है। और क्या है स्किन में? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी वजह से ही वो क्या करते हैं? कलर भी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। और क्या करते हैं वो? कलर क्या करते हैं? कीमोफ्लेग में भी हेल्प करते हैं। कीमोफ्लेग आपको पता ही है क्या होता है, कि वो अपने आप को क्या है छुपा लेते हैं। मिमिक्री भी करते हैं, वो मिमिक्री मतलब किसी दूसरे एनिमल की कॉपी भी कर लेते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने एनिमी से अपने आप को छुपाने के लिए मिमिक भी करते हैं। कीमोफ्लेग्स भी करते हैं, मतलब क्या है जैसी कंडीशन उनके पास प्रेजेंट है वैसा कलर वो अपना बना लेते हैं। जैसे क्या है, लीव्स का ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर बना लेंगे, कीमोफ्लेग बोल देते हैं उसको। तो क्रोमेटोफोर्स किस में हेल्प करते हैं? क्यूमोफ्लेग में भी हेल्प करते हैं, मिमिक्री में भी हेल्प करते हैं, और वार्मिंग कलरेशन शो करते हैं वो सारे एनिमल्स। क्या है वार्मिंग कलरेशन? मतलब वो क्या है, अपने जो अपने एनिमी होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं ये वार्मिंग कलर प्रोड्यूस, ठीक है। कलर एंड कलर चेंज कैन आल्सो अकर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिकॉग्नाइजेशन, और कलर चेंज भी करते हैं वो सेक्सुअल और रिकॉग्नाइजेशन के टाइम। क्या है, मेल और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, कोर्सी बिहेवियर के लिए वो क्या है कलर भी चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं वो क्या है अपने मेल और फीमेल एक अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। एज वेल एज वेन द एनिमल इज ट्राइंग टू थर्मोरेगुलेशन, और ये क्या है मेम्बर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, थर्मोरेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की बात करें तो क्या है, येलो कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक कलर के भी प्रेजेंट होते हैं, रेड कलर के भी प्रेजेंट होते हैं। इरिडोसाइट्स भी बोलते हैं कुछ, वो भी प्रेजेंट होते हैं। फिशीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं इरिडोसाइट्स। क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो, आपको मैंने बताया था शुरू में लेक्चर में, वो क्या करते हैं लाइट इमिट करते हैं। उनको क्या है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है लूसीफेरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लूसीफेरेज, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या है कलर प्रोड्यूस करता है। सम स्किन कलर इज ड्यू टू द कलर ऑफ ब्लड इन सुपरफिशियस ब्लड वेसल्स। और जो पिगमेंटेशन होती है वो क्या है कलर जो है उनका, वो क्या करता है कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन अमंग लाइक स्पीसीज, सेक्स, रिप्रोडक्शन स्टेटस और सोशल रैंक, इन सभी में क्या है एनिमल बिहेवियर में क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। अब हम बात करते हैं कि दो तरह की डिजीज हो जाती है पिगमेंटेशन में, तो उनको क्या बोलते हैं, एक होती है लुइसियम, ये क्या होती है पार्शियल लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, जो लॉस हो जाता है कुछ पिगमेंटेशन का पार्शियल, मतलब थोड़ा कलर रह जाता है थोड़ा लॉस हो जाता है। वाइट पैची कलर्ड स्किन, वाइट पैची कलर स्किन स्किन हो जाती है, फेदर और हेयर्स भी पैची हो जाते हैं। आईज आर नॉट अफेक्टेड, उनमें क्या है आईज क्या है उसमें इफेक्ट नहीं होती है, वो जैसा कलर है उसका ओरिजिनल वैसा ही रहता है। सेल आर स्विच ऑफ और फॉल्टी, सेल क्या होते हैं उनके स्विच ऑफ हो जाते हैं फॉल्टी, ये किस वजह से होता है, कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से जो एंजाइम होता है कलर फॉर्मेशन करता है वो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है या वो अपसेट हो जाता है, तो इस वजह से क्या है ये डिजीज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं लुइसियम, आप फोटो देख सकते हो, एक को हम बोलते हैं एल्बिनो और एक को बोलते हैं लुइस्टिक। तो एल्बिनो कैसे कलर के होते हैं? एल्बिनो में क्या होता है मेलेनिन अब्सेंट होता है। मेलेनिन क्या होता है, हमारी बॉडी की जो स्किन है वो क्या है एक ब्लैक कलर का कलर प्रोड्यूस करती है, जो क्या है मेलेनिन होता है उसके अंदर, वो हार्मोन होते हैं स्पेशल टाइप के इसके लिए, जो क्या है ग्लैंड्स होती हैं कुछ
हार्मोनल ग्लैंड्स वो क्या करती है, मेलानिन को सिक्रेट करती है, पिनियल ग्लैंड्स बोलते हैं हमको मेंबर्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो वो क्या है इसको प्रोड्यूस करती है। काफ़ी बार क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता, एक एंजाइम होता है वो क्या है इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता। एल्बिनिज्म क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है ये, ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज होती है ये, सेक्स से लिंक नहीं होती, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होती है उससे लिंक होती है ये डिजीज। और आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो रिसेसिव भी होते हैं और डोमिनेंट जेनेटिक्स में पड़ते हैं, तो ये रिसेसिव की वजह से, रिसेसिव ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज आ जाती है। तो क्या होता है इसमें क्या, वाइट और पेल येलो कलर शो करता है, मतलब बिल्कुल स्किन वाइट हो जाती है। आपने काफ़ी सारे ह्यूमन बींग को देखा होगा वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, तो वो उस डिजीज़ की वजह, इस डिजीज़ की वजह से हो जाता है कि उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और जो एंजाइम इस कलर मेलानिन को सिक्रीट करता है वो क्या है उनके अंदर बनना बंद हो जाता है। मेरी पेल आईज यूजली पिंक और रेड बिकॉज देयर बॉडी ब्लड वेसल्स शो थ्रू द अनपिगमेंटेड आई डिजीज, रिसेसिव ट्रेड होता है। अब लास्ट में मैं आपको थोड़ा क्या है, आप इसके नोट्स बनाना अपने और क्या है थोड़ा वर्क भी करना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने लास्ट में डाला है प्रोजेक्ट है आपके लिए, प्रोजेक्ट में क्या करोगे आप चूज ए वर्टिब्रेट फ्रॉम ईच क्लास, प्रैक्टिकल में आपके है भी है सेकेंड ईयर में, एंड रिसर्च हाउ दे स्पेसिफिक स्पीसीज यूटिलाइज इट्स पिगमेंटेशन, ठीक है, डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एज टू वाई दिस पिगमेंट इवॉल्व एज बेनिफिशियल अडेप्टेशन, कैसे करता है आपको इस पर नोट तैयार करना है, हाउ डज द पिगमेंट इंक्रीज द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, ये पिगमेंट कैसे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इंक्रीज करते हैं ये भी रिसर्च, द डिफरेंसिस बिटवीन द एल्बिनिज्म एंड ल्यूसियम ल्यूसिज्म प्रोवाइड सॉलिड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आपको देना है उनका, वट कूल थिंग्स डिड यू लर्न, ठीक है, इसके बारे में भी, इसका भी आंसर तैयार करना है आपको। अब हमारा रह गया स्केल के बारे में, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।